बेगूसराय जिले में गुरुवार को पुलिस कार्यालय आरक्षी अधीक्षक योगेंद्र कुमार द्वारा जनता दरबार का आयोजन किया गया, जिसमें लोगों की फरियादें सुनी गई। 72 लोगों की फरियादें, जिसमें एक एक कर प्रत्येक फरियादियों से मिलकर पुलिस अधीक्षक बेगूसराय द्वारा समस्याएं सुनी गई और इस दौरान संबंधित अधिकारियों को जन समस्याओं के त्वरित निस्तारण हेतु आवश्यक निर्देश भी दिए गए हैं। इस जनता दरबार में पुलिस उपाधीक्षक निश्चित प्रिया भी उपस्थित थे, जिन्हें जनता की समस्याओं को निस्तारित करने हेतु निर्देशित किया गया। आरक्षी अधीक्षक ने बताया कि प्रत्येक दिन के अलावा जिला पुलिस कार्यालय में गुरुवार को विशेष रूप से जनता दरबार का आयोजन किया जा रहा है। कोई भी लोग जनता दरबार में समस्या से संबंधित आवेदन और जानकारी दे सकते हैं। वहीं दहेज के लिए पति और ससुराल वाले के द्वारा एक महिला की हत्या कर शव को गायब कर देने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। वहीं इस मामले में प्राथमिकी दर्ज होने के बाद पीड़ित परिवार को लगातार दामाद और उनके परिवार के द्वारा जान से मारने की धमकियां मिल रही हैं, जिससे पूरा परिवार डरा सहमा हुआ है। इस मामले में पीड़ित परिवार न्याय के लिए दर दर की ठोकर खाता फिर रहा है। घटना नया गांव थाना क्षेत्र के दरियापुर गांव की है। बताते चले कि मुफ्फजिल थाना क्षेत्र के नागदाग वार्ड नंबर 10 के रहने वाली गीता रजक ने बेगूसराय आरक्षी अधीक्षक को आवेदन देकर अपनी पुत्री के हत्यारे की गिरफ्तारी और अपने जान माल की सुरक्षा की गुहार लगाई है। वहीं पीड़ित ने बताया कि उनकी पुत्री की शादी नया गांव थाना क्षेत्र के दरियापुर गाँव के रहने वाले जीवन रजक के पुत्र सुमित रजक के साथ धूमधाम से हुई थी। शादी के बाद एक पुत्री का भी जन्म हुआ। पिता ने आरोप लगाया है कि शादी के कुछ दिन बाद से ही पति और ससुराल वालों के द्वारा 2 लाख रुपए दहेज के रूप में मांगे जाने लगे और ऐसा नहीं करने पर उनकी पुत्री को लगातार प्रताड़ित और मारपीट की जाने लगी। इसी क्रम में दहेज में 2 लाख की राशि नहीं मिलने पर अभियुक्त गणों के द्वारा पिछले 1 जुलाई को उनकी पुत्री की हत्या कर शव को गायब कर दिया गया। इस संबंध में नया गांव थाना में मामला दर्ज कराया गया, जिसके बाद से उनके दामाद और उनके परिवार के लोगों के द्वारा बार बार मुकदमा उठाने की धमकी दी जाने लगी और ऐसा नहीं करने पर गोली मारकर हत्या कर देने की भी धमकी लगातार दी जा रही है। इस संबंध में पीड़ित अनिल रजक ने बेगूसराय के आरक्षी अधीक्षक से न्याय की गुहार लगाते हुए अपनी जान माल की सुरक्षा करने और मामले का जल्द से जल्द अनुसंधान पूरा करने की अपील की है। साथ ही साथ अभियुक्तों के चंगुल में उनकी नतनी को छुड़ाने की मांग भी की गई है। बेगूसराय जिले से अंशु कुमार की रिपोर्ट। प्रत्येक सप्ताह की भांति आज बृहस्पतिवार को पुलिस कार्यालय में जनता दरबार का आयोजन किया जा रहा है। आज करीब 72 आवेदक आए थे। सभी की शिकायतों को मैंने और डीएसपी हेडक्वार्टर ने एक एक करके सुना है और उसके निस्तारण के लिए मैंने नीचे सभी थानों को सर्कल इंस्पेक्टर को आदेश दिया है। देखिए, इसमें हम लोग देख रहे हैं कि 50-60% जो है महिलाएं रहती हैं और उनकी जो अप्लीकेशन आई है उनका विश्लेषण करने पर यह पाया जाता है कि घर में घरेलू हिंसा, दहेज अधिनियम के मामले या गांव मोहल्ले में कोई परेशान कर रहा है या जमीन पे किसी ने जबरन कब्जा कर लिया, इस टाइप की प्रॉब्लम ज़्यादा रहती है। तो इसको लेकर के जो शनिवार को थाना दिवस होता है, सारी एप्लीकेशन हम लोग वहाँ भी इसकी भेजते हैं। इसके अलावा काफ़ी सारे लोग ऐसे थे जिसमें केस में गिरफ्तारी समय से नहीं हो रही है या किसी ने झूठे मुकदमे में फंसा दिया है, उस टाइप की प्रॉब्लम थी। तो उसको सॉल्व करने के लिए जो हमारे कंसर्न एसडीपीओ से उनको मैंने आदेश दिया है कि सभी के मामलों की जाँच करके इसमें जल्द से जल्द रिपोर्ट निकालें। और कुछ मामले ऐसे थे जिसमें कि गश्ती गाड़ी या डायल 112 की गाड़ी भी जाती है, तुरंत देखती है तो मामला सॉल्व हो जाता है। तो हम लोग की कोशिश ये रहती है कि एक सप्ताह के अंदर इन लोगों की प्रॉब्लम को सॉल्व कर दें। बहुत से लोग हैं जिनकी नहीं सॉल्व होती तो हमारे पास दोबारा आते हैं, तो जहां हमें कार्रवाई करने की आवश्यकता होती है उसको भी करते हैं और ये सिलसिला लगातार चल रहा है, हर हफ्ता होता है। तो लोगों की प्रॉब्लम यहां सॉल्व हो जाती है तो लोगों में भरोसा भी बढ़ रहा है और इस कारण से हम लोग देख रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हर सप्ताह इसमें आ रहे हैं। धन्यवाद। तारीख को आया हमारे बेटी धम 2 दिन रहा, तब कहा कि मम्मी जमाजो कहा कि ना 2 लाख रुपया दीजिए, नहीं दीजिएगा तो तुम्हारे को मार फेंक दीजिए। हमारे हम कहें बेटा 10% देंगे, हम दे सकते हैं, लेकिन ममता है 10% अपना नहीं देगा। पिताजी थोड़ा बीमार के फेंक देंगे, या बाप जाएगा दरियापुर तो भी गोली मार देंगे। क्या नाम है आपका? हमारे बेटी को दरियापुर में मार कर फेंक दिया, इसलिए हम 80 दिन आए हैं। कई बार घूम गए हैं, 80 साहब से नहीं मिले थे, आज करीब लमसम 10-12 दिन हो गए हैं।
आज एसपी साहब से हमको मुलाकात हुआ है। एसपी साहब बोले ठीक है आप जाइए तो गिरफ्तारी होगा। कितने दिन से आपकी लड़की लापता है? लड़की हमारा लापता है 12-13 दिन से लापता है। ससुराल वाले के घर पर गए तो 2 तारीख को गए, उस दिन से ताला लॉक है और अभी तक ताला लॉक है। कोई मैसेज भी नहीं मिला है जब आपका लड़की मर गया या भाग गया, अभी तक कोई मैसेज नहीं मिला है लड़का वाला की तरफ से। और वो ऐसे 23 तारीख को हमारे घर पर आए थे, तो बोले 2 लाख रुपया दीजिए, हम टाइल्स का मिस्त्री हैं, टाइल्स का दुकान खोलेंगे। हम बोले जो हमारे पास पैसा नहीं है बाबू, 10-20 हज़ार रुपया की बात रहता हम दे देते, लेकिन हमारे पास नहीं था पैसा उतना, हम नहीं दे पाए। वो बोले क्या जो नहीं दीजिएगा पैसा तो आपको बेटी को मार देंगे, आप आइएगा तो आपको भी गोली मार देंगे। सही बात है सर। थाना को सूचना दिए थे? हाँ, नया गाँव थाना सूचना दिए 2 तारीख को, 2 तारीख के दिए तो बुलाए 3 तारीख को, 3 तारीख को गए वहाँ से लाए मिला, वहाँ केस लिए हैं, भर दिन हमको बैठा के रखा, शाम के 6 बजे वहाँ से छोड़े हमको। क्या नाम है आपका? अनिल कुमार रजक। और उसमें 2 आदमी का नाम, 1 आदमी का नाम उसमें ज़्यादा दे दिया है, उस आदमी को हम नहीं पहचानते हैं। आदमी का नाम है अनिल रजक, सर पच्चू रजक, वो आदमी को हम जानते तक भी नहीं है, और आदमी को पेपर में नाम है।